हाय गाइस, नमस्ते। मैं हूँ दिव्या एंड यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल एस्थेटिक दिव्या। आज का जो वीडियो है एक हॉल वीडियो होने वाला है। करेंटली अमेज़न पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है, मतलब सबसे बड़ी सेल चल रही है, फेस्टिव सेल। तो मैंने कुछ चीजें उस सेल से ऑर्डर की अपने घर के लिए। दिवाली आने वाली है तो उसके लिए कुछ मेकओवर्स वगैरह प्लान किए मैंने, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें ली है फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग ली है। और कुछ चीजें मैंने सेल में ली, कुछ चीजें मैंने पहले ले ली थी बट अभी वो सेल में अच्छे प्राइस में मिल रही है, तो वो सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बट उसके पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो एंड बेल आइकन क्लिक कर दो ताकि कोई फ्यूचर वीडियोस मिस ना हो। एंड सारे प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी एंड जो प्राइसेस है वो स्क्रीन पर मेंशन रहेंगे। प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ये सेल वाला प्राइस रहेगा जो मैं मेंशन करूंगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन फ्लावर्स से। ये आर्टिफिशियल ट्यूलिप्स फ्लावर हैं, रेड कलर के हैं ऑब्वियसली, और मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थे कुछ अच्छे आर्टिफिशियल फ्लावर, तो अच्छे लगे काफ़ी। दूर से देखो तो पता भी नहीं चलेगा कि आर्टिफिशियल है, एंड किसी भी कोने पे रख दो बस चार चांद लगा देगा ये। और मैंने ना इसको अपने नवरात्रि सीरीज़ में यूज़ किया था। नवरात्रि में मैंने हर जो माता जी का हर कलर होता है ना, उस कलर का हर दिन का होम डेकोर किया था उस थीम पर, तो रेड कलर वाले में मैंने ये यूज़ किया था। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी ना तो उसकी प्लेलिस्ट में ऊपर लगा दूंगी। नाउ नेक्स्ट इज दिस वॉलपेपर। बहुत ही बेसिक सा वॉलपेपर है, नथिंग डिफरेंट। इसके बाद वाला वॉलपेपर बहुत ही सही है। तो ये ना ब्रिक प्रिंट वाला वॉलपेपर है, थोड़ा ग्रेश ब्रिक बने हुए हैं, 3D प्रिंट है, वाटरप्रूफ है ये। और ये ना मैंने लिया अपने किचन के लिए, क्योंकि किचन में एक एरिया है जो बहुत वहाँ की वॉल ख़राब हो गई, और मैं उसको रीपेंट भी करती तो वो फिर ख़राब ही हो जाती, तो मैंने सोचा कि इसको वॉलपेपर लगा देते हैं। मेरा किचन ऐसे रेड है तो मुझे और ज़्यादा कहीं कलर्स ऐड नहीं करने थे, इसलिए मैंने नाइस एंड न्यूट्रल सा लिया है। और बाकी आप किचन मेकओवर वाले वीडियो में देख लेना कि लगाने के बाद कैसा लग रहा है, आएगा वो वीडियो जल्दी। नाउ नेक्स्ट वन इज अनदर वॉलपेपर। ये बहुत ही यूनिक वॉलपेपर है, ये टेराजो वॉलपेपर है। मैंने थोड़ा यूज़ किया था तो उसका बचा हुआ है वो भी लगा के रखा है मैंने। सब चीज़ सेव करके रखती हूँ मैं, कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है, छोटे छोटे पीसेस भी काम आ जाते हैं। तो ये टेराजो वॉलपेपर है, और इसको कुछ टाइम पहले तक मैंने इतना ढूंढा था ऑनलाइन, मुझे नहीं मिल रहा था। तो इफ़ यू रिमेंबर कि मैंने जो सेंटर टेबल मेकओवर वाला वीडियो किया है उसमें मैंने ये वॉलपेपर नहीं मुझे मिला था, तो मैंने खुद टेराजो पेंट कर लिया था। मैं इतनी क्रेज़ी थी टेराजो के लिए, तो फाइनली अब मुझे वॉलपेपर मिल गया। ये इजी भी होता है, रेंटर फ्रेंडली भी होता है, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। और ऑफ कोर्स नेचुरल टेराजो स्टोन से कोई कंपैरिजन नहीं है इसका, बट इन केस आप इंटरेस्टेड हो तो। मैंने इसको ये अपने एक टेबल था उस पर यूज़ किया, इसके पहले मार्बल वॉलपेपर लगा हुआ था इस पर। और टेराजो के साथ ना मैं ये वॉलपेपर के साथ मेरा एक कांड भी हो गया था, मेरी लाइफ का जो बिगेस्ट फेल्ड DIY है ना वो भी इस वॉलपेपर के कारण साथ ही हुआ है। अब वो किसके कारण हुआ दैट आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पर तो ये सक्सेस है। कभी शायद मन हुआ तो रील में शेयर करूँगी वो बिगेस्ट फेलियर। मुझे बताना कमेंट में कि आप देखना चाहते हो क्या। नाउ नेक्स्ट वन इज़ दिस पिकॉक फेदर्स। ये ना सेट ऑफ 10 है या 12 है, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो ये मैंने जन्माष्टमी डेकोर के लिए लिया था, बट ऐसे भी ना आप इसको नॉर्मल वास में डाल दो और इतना प्यारा लगता है। पहले तो लोग पिकॉक फेदर यूज़ करते थे अपने डेकोर में, बट आजकल बंद कर दिया है। बट आई मस्ट से कि करना चाहिए इसको यूज़, बहुत सुंदर, डिफरेंट, अच्छी वाइब आती है। और ये वास भी नहीं है, मैंने तो इसको डस्टबिन से एक बॉटल उठा के लाई थी, ग्लास बॉटल, उसमें डाल के रखा है, इतने प्यारे लग रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ दिस वेरी इथनिक वाइब्स वाला अम्ब्रेला। बहुत ही अच्छा सा राजस्थानी टाइप का लुक आता है इसमें। अगर आपको इथनिक डेकोर करना है, ट्रेडिशनल डेकोर करना है, तो बहुत अच्छा लगेगा ये। और बिल्कुल भी महंगा नहीं है, बहुत सस्ता था। और मैंने इसको लिया था अपने गणेश जी वाले डेकोरेशन के लिए, एंड वाला लुक गणेश जी का डेकोरेशन का इतना अच्छा टर्न आउट हुआ था ओनली बिकॉज ऑफ दिस अम्ब्रेला। एंड मैं इसको अभी अपने दिवाली डेकोर में भी फॉर श्योर यूज़ करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट इज़ दिस स्टाइल स्टिकर्स। इसको कॉर्नर स्टिकर, बॉर्डर स्टिकर बोलते हैं। तो कई जगह होती है ना जहाँ बहुत बड़ा टाइल एरिया है, आप उतने बड़े एरिया में वॉलपेपर नहीं लगाना चाहते हो, महंगा भी पड़ेगा प्लस मेहनत भी बहुत लग जाएगी, बट आपको लुक चेंज करना है तो इन दैट केस आप ऐसे बॉर्डर स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं। आजकल ये बहुत सारे वेराइटीज़ में आ रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर वाला ना मैंने बाथरूम के लिए लिया है। येस, दैट मीन्स कि बाथरूम मेकओवर भी आने वाला है। कब आएगा आई डोंट नो यार, बहुत ही ओवर ऑक्यूपाइड लगता है मुझे छोटे से बच्चे के साथ काम कर पाना अकेले इन ए न्यूक्लियर फैमिली सेटअप, बट जरूर जल्दी आएगा फॉर श्योर।
नाउ नेक्स्ट इज़ ये दूसरे पैटर्न का टाइल बॉर्डर स्टिकर। ये थोड़ा अलग है, ये इंडियन पैटर्न में है और इसमें ना ऐसे 5 अलग अलग स्टिकर्स आए हैं, आई थिंक 10-10 फीट के ईच है। साइजिंग और कॉस्मेटिक सॉरी स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। तो ये वाला इंडियन पैटर्न का ही मैंने किचन के लिए लिया है क्योंकि मेरे किचन में इस टाइप के प्रिंट का ऑलरेडी एक वॉलपेपर लगा हुआ है, तो मुझे लगा कि उसके साथ अच्छा जाएगा। लेट्स सी आगे जब किचन मेकओवर करेंगे तो उसमें देखना। नाउ नेक्स्ट वन इज़ दिस वेरी बेसिक राइस लाइट। हमने बचपन से ये लाइट अपने दिवाली डेकोर में घर के बाहर लगाई होगी, बट मैंने जितनी भी लोकल मार्केट से ली है वो एक यूज़ में ही ख़राब जाती है। मुझे इस बार कुछ ड्यूरेबल चाहिए था। आप चाहे तो स्टिल लोकल मार्केट से ले सकते हैं, बट आई एम सेइंग कि कुछ अच्छी कंपनी की लो, थोड़ी भले ही महंगी ले लो बट अच्छी कंपनी की लो। और ये मैंने ऑनलाइन लिया है और इसकी क्वालिटी मुझे ठीक लग रही है, रिव्यूज़ अच्छे थे, इसलिए लिया है क्योंकि मुझे लॉन्ग लास्टिंग चाहिए एंड दिवाली डेकोर में तो ये मस्ट है। नाउ अब ये कुछ प्रोडक्ट्स पूजा कॉर्नर से रिलेटेड हैं। ये मैंने अपनी एक रील के लिए शूट किया था, इसे सेटअप थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा आपको, बट बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपने रील में देखे हुए हैं ना तो यू कैन जंप टू दिस टाइम स्पेंड, पर जंप जरूर करना बिकॉज उसके बाद वाला जो प्रोडक्ट है ना वो अल्टीमेट है। तो इस पर आते हैं। ये ना एक मंदिर है और बहुत ही ईजी टू असेंबल है, वुड का है, पार्टिकल वुड ही होगा ऑब्वियसली, बट बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिला मुझे। इसके पीछे ना इस तरीके की डिज़ाइन बना हुआ है, ओम लिखा हुआ है, और इसको असेंबल करने के लिए ना कुछ नहीं करना है, मतलब इसमें ये दिए हुए हैं हुक्स, बस आपको फिक्स कर देना। और आपको अगर इसको वॉल पे हैंग करना है ना तो उसके लिए भी नेल्स दिए हुए हैं, इसके साथ पूरा किट दिया हुआ है, तो आप वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। और उसके ऊपर लाइट भी लगी हुई, वो उल्टी लगी हुई है, अभी बाद में मैंने सीधी कर ली थी, बट उसके वायर इतना छोटा दिया हुआ है तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाई, अभी तक मेरा कनेक्शन नहीं हो पाया, मुझे इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा। बट रेस्ट एवरी थिंग इज़ गुड, इतने कम प्राइस में बहुत ही प्यारा मंदिर है ये, बहुत ही सुंदर मंदिर है। नाउ ये जो प्रोडक्ट है ना ये मेटल का है, प्योर मेटल का, काफ़ी हैवी है, बहुत अच्छी क्वालिटी में। तो ये ना एक दिया है, 5 दिया है और इसमें 3 गॉड के आइडल्स हैं और 5 दिया जलाने के लिए वो दी हुई हैं, तो इनको मैंने मंदिर में रख दिया है। और फाइनल लुक ना सारे दिया वगैरह जला के तो इतना प्यारा लग रहा है, बट फाइनल लुक मैं आपको अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। नाउ ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना ये भी ब्रास का है, बहुत अच्छी मेटल क्वालिटी है। ये एक धूपदानी है, धूपदानी तो मस्ट है घर में। लास्ट ईयर भी मैंने एक ली थी, वो काफ़ी बड़े साइज़ की थी। ये काफ़ी इजी टू हैंडल है, इसमें हैंडल भी दिया हुआ पकड़ने के लिए, तो ज़्यादा कंफर्टेबल है, कॉम्पैक्ट है, क्वालिटी एंड डिज़ाइन दोनों ही बहुत ही सही है। नाउ ये सेट ऑफ 2 जूट मैट्स हैं पूजा करने के लिए, आसन तो आपको लगते ही हैं, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है एंड जूट के हैं तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो नाउ द नेक्स्ट वन इज़ दिस लैम्प शेड। ये ना मुझे वीडियो शूट होने के बाद रिसीव हुआ है, तो बट मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने बोला फटाफट शूट करके इसको इंक्लूड कर लेते हैं वीडियो में। तो ये इसका शेप एंड साइज़ एंड क्वालिटी एवरीथिंग बहुत सही लग रहा है एंड प्राइस इतना नॉमिनल है। और इसका जो फिनिश है ना ये जूट टाइप का फिनिश है। तो मेरे पास ना एक एग्जिस्टिंग फ्लोर लैम्प है जो मैं बहुत साल पहले ना बंजारा मार्केट से लाई थी फॉर माई फर्स्ट होम आफ्टर मैरिज, वो आपने देखा भी होगा मेरे वीडियोस वगैरह में। बट उसका लैम्प शेड ना बड़ा छोटा सा है, उतना मज़ा नहीं आता, तो मुझे उसके लिए कुछ अच्छा सा लैम्प शेड चाहिए था। ये जो छोटा लैम्प शेड है मैं इसको DIY में किसी और तरीके से यूज़ कर लूँगी, मतलब वो बॉटल लैम्प वगैरह होते हैं ना उस टाइप का कुछ DIY बना सकती हूँ। तो आई जस्ट लव दिस लैम्प शेड, मतलब सिर्फ लैम्प शेड चेंज करने से पूरा लुक ही चेंज हो गया। आप भी अगर कुछ DIY वगैरह भी करना चाहते हैं ना तो यू मस्ट गो फॉर दिस। नाउ जो ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये सेट ऑफ 2 बल्ब है। ये नॉर्मल बल्ब्स नहीं है, ये USB कनेक्टेड है, मतलब कि नॉर्मल अडेप्टर में लग जाएंगे। तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ आपके पास बल्ब का सॉकेट नहीं है बट पावर सॉकेट है वहाँ आप इसे यूज़ कर सकते हो। करेंटली मुझे ऐसे बहुत सारे सेटअप बनाने पड़ते हैं शूट के लिए और हर जगह बल्ब की सॉकेट नहीं होती, तो वहाँ पर मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। ये सेट ऑफ 2 है, दोनों वाइट है, तो मैं एक को ना ऑरेंज पेंट करने वाली हूँ और वार्म वाइट वाला इफेक्ट देने वाली हूँ। नाउ अब जो ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये तो एकदम हीरो प्रोडक्ट है। इंस्टाग्राम पे इसको इतना प्यार मिला है, मैंने अपनी रील के लिए शूट किया था इसको, इसलिए सेटअप अलग है अगेन। तो ये ना सेट ऑफ 3 स्टैंडिंग उडली है और ये मुझे सिर्फ 500 रुपीज़ की पड़ी थी, अभी इसका रेट शायद 530 के आसपास कुछ चल रहा है। तो ये ना ऐसे डिसमेंटल होके आती है और आपको इसको असेंबल करना होता है, वेरी ईजी, बहुत छोटा सा प्रोसेस है। मेटल की है, गोल्डन कलर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, स्ट्रॉन्ग है, स्टर्डी है, सब कुछ बहुत ही प्यारा है। और मैंने इसको ना अपने TV यूनिट पे स्टाइल किया था इस तरीके से, ये कुछ पिक्स है। और
जो गणेश जी डेकोरेशन में जो सेटअप्स किए थे ना मैंने, उसमें से भी एक सेटअप में इसको यूज़ किया था मैंने, तो बहुत ही प्यारी लगती है इन फेस्टिव सीजन के लिए, जस्ट परफेक्ट। तो कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ लेना, मैं रिप्लाई करूंगी एंड लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, लाइक कर दिया करो, एटलीस्ट लाइक कर दिया करो, पसंद आया है तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिस टाइप का कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हो। एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, बेल आइकन क्लिक कर दो ताकि फ्यूचर अपडेट्स वीडियोस मिस ना हो। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू सून, टिल देन बाय बाय।